वहीं गुजरात में पिछले दो दिनों से तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इस कारण द्वारका के खंभालिया में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। इसमें एक बुजुर्ग महिला और उनकी 2 पोतियों की मौत हो गई है। मंगलवार देर रात 6 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF ने 5 लोगों को बचाया। वहीं सूरत में 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहां सड़कों पर नदी जैसे तेज बहाव से पानी बह रहा है। इसके अलावा कच्छ जिले के नखत्राणा तालुका में बाढ़ से लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। खाने पीने का सामान न मिलने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बारिश के कारण कई नदियां, बांध और तालाबों में पानी का लेवल बढ़ गया है। उधर 24 घंटे में इंदिरा सागर, तिघरा, तवा, बरगी जैसे बड़े डैम में 3 से 6 फीट तक पानी बढ़ा है। बात करें बैतूल की तो बैतूल के सतपुड़ा मंडला में नैनपुर के थावर और श्योपुर के डैम के गेट खोलने पड़े हैं। आज बता दें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।